नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक का ई रिलेशनशिप मैनेजर जॉब के बारे में। और दोस्तों ये ई रिलेशनशिप जॉब मैनेजर का जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और इस जॉब में कैसे ट्रेनिंग मिलता है और कैसे जॉब करने को मिलेगा इसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरुआत में आपको बता रहे थे कि जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा ये ट्रेनिंग कम से कम 15 दिन या एक महीने के आसपास हो सकता है, और इसी ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको जो है जॉब के बारे में बताया जाता है। साथ से दोस्तों एक और बात है, इसी ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको जो है जो लोकेशन है वो लोकेशन भी बताया जाता है कि आप इस लोकेशन पे जो है आपको काम मिलेगा। और एक और बात है कि दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है खाना पीने का बंदोबस्त पूरा हो जाता है, आपको कोई लंच लेने का कोई टाइम नहीं रहता है। ठीक है, आपको लंच लेने का टाइम तो रहता है लेकिन यहाँ पे लंच लाने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी की ओर से ही प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप एक बार फ्लोर में आ जाएंगे तो उसके बाद जनरली जो है आपको वो लंच वगैरह आपके जेब से ही खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे इस जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसका अलावा यदि आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और शेयर चैट में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हम डेली जो है जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, हम उनसे वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आपके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा बहुत मैं इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट तो लिखा हुआ है, मैं आपको एक दो पॉइंट आपको पढ़ के समझा देता हूँ। एक तो है दोस्तों यहाँ पे सर्व ऑन पॉइंट कॉन्टेक्ट टू द मैप्ड कस्टमर टू द बैंक ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे होता है दोस्तों जो भी आपको एक कुछ कस्टमर रहेगा जो कि ऑलरेडी जो है कस्टमर के जो ICICI बैंक के कस्टमर है उनको दिया जाएगा, यानी तो नया कस्टमर आपको उसका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो आपको दिया जाएगा। तो में होता है कि दोस्तों बहुत सारे लोगों बहुत सारे जो कस्टमर है बैंक का कस्टमर है उनके अलग अलग डिमांड होते हैं। डिमांड मीन्स वो कस्टमर आपको पहचानना होगा कि कौन सा डिमांड है। ठीक है, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट आपको सेलिंग करना होगा, चाहे वो कस्टमर कोई लाइफ इंश्योरेंस से लेना चाहते हैं या कोई व्हीकल इंश्योरेंस से लेना चाहते हैं या कोई होम लोन, कार लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, जब कस्टमर से आप बात करेंगे इसी तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर का नीड क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है कस्टमर से आपको क्रॉस सेलिंग करना पड़ेगा। बाकी के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, नहीं तो लंबा हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी आपका जब आप एक बार आप फ्लोर में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल भी करना पड़ सकता है कस्टमर को, क्योंकि कुछ मैप्ड कस्टमर होगा ऑलरेडी ICICI बैंक में, तो उनको जो है आपको फोन कॉल के दौरान भी आपको कॉल करके उसके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो कस्टमर, आप उसी के रिगार्डिंग बात करके कस्टमर के दिए हुए प्लेस में विजिट करके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना होता है। ठीक है, या दूसरा ऐसे भी हो सकता है बहुत सारे कस्टमर जो है वो बैंक में आते हैं, ठीक है, जैसे ही वो कस्टमर बैंक में आएंगे कोई भी काम करने के लिए, तो उसका जब काम हो जाएगा, चाहे वो कस्टमर डिपॉजिट करने के लिए आए हैं या कुछ होम लोन, पर्सनल लोन के लिए आए हैं या जनरल इंक्वायरी के लिए, बैंक में बहुत सारे कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो आपको कस्टमर देख के पहचानना होगा, और उसके बाद जैसे ही कस्टमर का काम खत्म हो जाएगा, जैसे रिटर्न आएगा, तब उसी दौरान आपको कस्टमर के पास जाके कस्टमर से एक दो मिनट का समय लेके आप जो भी आपको ट्रेनिंग के दौरान जो भी प्रोडक्ट बेचने के लिए कहेगा या जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा उसी के रिलेटेड कस्टमर से बात करके एक तरह से क्रॉस सेलिंग जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यही रहेगा। तो अभी चलते हैं जॉब के बारे में और आपको बताते हैं कि इस जॉब में कितने सारे पोजीशन हैं और कौन कौन से लोकेशन पे जॉब अवेलेबल है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप जस्ट एम्प्लॉयमेंट 2G में क्लिक कीजिए, या नहीं तो यहाँ पे आप यदि दूसरा कोई बैंक का डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट 2G में,
तो आपके सामने जो है हमारे वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग जॉब आपको यहाँ पे आना होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जॉब है दोस्तों, जैसे इंश्योरेंस, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएट आपको क्वालिफिकेशन लेवल के भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। आपको सबसे ऊपर आना होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको बैंकिंग जॉब दिखाई देगा और इसके नीचे आपको रहेगा ICICI बैंक ई रिलेशनशिप मैनेजर जॉब, ठीक है। जस्ट आपको इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा दोस्तों। इसी पेज में आपको इस जॉब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि इसमें एज, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें कितना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप टू 4 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट कोई भी स्पेशलाइजेशन हो आपके पास बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं किया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एरिया फ्रेशर जाएंगी या उसके लिए एक अलग कैटेगरी का आपको जो है सैलरी होगा और जो एक्सपीरियंस बंदे जाएंगे तो उसके लिए भी एक अलग कैटेगरी का जो है आपको सैलरी देता है। तो यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं किया है। जब आप इंटरव्यू में आप वहाँ पे आप फेस टू फेस होंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको HR कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो आप जस्ट क्लिक हियर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपको क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने HR का नाम आ जाएगा और वहाँ पे इसके अलावा इस जॉब लोकेशन भी आ जाएगा। चेन्नई है, गुवाहाटी, हैदराबाद, थाने, इंदौर, बेंगलुरु और दिल्ली NCR में इसका इंटरव्यू और यहाँ पे आपको काम करना होगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने naukri.com में ICICI बैंक में जो यहाँ पे दिया था जॉब लिस्टेड किया उसका लिंक मैंने दे दिया है। क्लिक हियर करके आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा उसी पेज में लेके जाएगा और वहाँ पे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे दोस्तों कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन नहीं हुआ है, आपको मैनुअली आपका रिज्यूमे अपलोड करना होगा और उतने एक दो दिन के अंदर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कंफर्म आपको जो भी ईमेल कंफर्मेशन हो या उनके द्वारा कॉल किए जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।